कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झाबुआ से भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर की शिकायत की है कि वे कोरोना के लिए बनाए गए नियम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा नेता न केवल बार बार नियम तोड़ रहे हैं बल्कि जनता की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। बुधवार रात ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर के बेटे के विवाह का अवसर था, आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था। कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में सिर्फ 250 लोग ही शामिल हो सकते थे। कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने समारोह की तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री को ट्वीट किया कि समारोह में 1000 से भी ज्यादा लोग एक समय में जमा हुए, समय सीमा को लेकर भी नियमों का पालन नहीं हुआ, क्या कोरोना से बचाव के नियम भाजपा नेताओं पर लागू नहीं होते। यादव ने कहा कि प्रशासन आम लोगों पर तो कार्रवाई करता है लेकिन नियम तोड़ते भाजपा नेताओं पर आंख मूंद लेता है। इंदौर से लेकर झाबुआ तक के सांसद बार बार नियम तोड़ रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर और प्रदेश के तमाम भाजपा नेताओं के साथ नौकरशाहों ने भी भोज में शिरकत की। बुधवार को ही इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपने बेटे के विवाह समारोह पर होने वाले भोज व रिसेप्शन निरस्त करने की घोषणा की थी। कोरोना गाइडलाइन इसकी वजह बनी। 31,000 आमंत्रण पत्र बांटने के बाद विधायक ने समारोह निरस्त किया। ऐसे में कांग्रेस को अब सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि जब विपक्ष के नेता गाइडलाइन और संक्रमण के बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन सत्ताधारी दल के नेता लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।